जब विक्रम वेदा का ट्रेलर आया था तब मैं विक्रम वेदा के लिए काफी एक्साइटेड था। नई वाली होऊंगा ही ना यार, ऋतिक रोशन विद डैम लुक बट नेगेटिव रोल, बेटर एक्टिंग। फिर उसके बाद वापस से ट्रेलर थिएटर में देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी दमदार लगा, लगेगा ही ना ओल्ड वाली विक्रम वेदा कहाँ मैंने देख रखी थी। फिर सोचा चलो ओल्ड वाली विक्रम वेदा एक बार देख लेते हैं। आर माधवन एंड विजय सेतुपति की विक्रम वेदा देखी, कसम से यार इट्स माइंड ब्लोइंग एंड फार बेटर देन दिस। तो चलो मूवी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओल्ड वाली विक्रम वेदा देखने के बाद न्यू वाली विक्रम वेदा देखी एंड फिर मेरा रिएक्शन था, बट फिर भी मूवी में कुछ मजा नहीं आ रहा था एंड सोचा यार यहाँ से पूरी मूवी को जज करना सही नहीं रहेगा, तो चलो पूरी मूवी देख लेते हैं। एंड फिर से पूरी मूवी देखने के बाद मेरा रिएक्शन भी यही था। लिटरली यार मूवी में कुछ नया नहीं था एंड कुछ भी नया नहीं लगा। स्टोरी, डायलॉग्स, प्लेस, चलो यार यहाँ तक तो ठीक था। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कॉपी किया है। पॉजिटिव्स की बात करें तो ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं था मूवी में। सिर्फ मूवी के कुछ पॉइंट थे जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि ऋतिक रोशन की एक्टिंग, थोड़े से फाइट सीन्स, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ एक चीज है, अगर आपने पुराने वाली विक्रम वेदा नहीं देखी तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। मूवी को रिस्पॉन्स भी कुछ अच्छा सा नहीं मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर रिमेक। ओरिजिनल विक्रम वेदा के 5 साल बाद ये मूवी आई थी यार, तब तक तो सभी ने ओल्ड वाली विक्रम वेदा तो देख ली होगी, तो कोई क्यों यार पैसे देके ये वाली विक्रम वेदा देखने जाएगा थिएटर में। ओल्ड वाली विक्रम वेदा काफी हिट गई थी, सिर्फ 11 करोड़ में बनी थी एंड मूवी ने 16 करोड़ कमाए थे, 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बट वहाँ दूसरी तरफ न्यू विक्रम वेदा 175 करोड़ का बजट था, बट उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 135 करोड़। प्रॉफिट तो खैर नहीं हुआ, नुकसान हो गया। ओल्ड वाली विक्रम वेदा काफी हिट रही, इसलिए शायद मेकर्स ने ये सोचा होगा पैसा ही पैसा होगा। चलो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर कैसा रहा? क्या आपने ओल्ड वाली विक्रम वेदा पहले देखी थी या फिर डायरेक्टली न्यू वाली ही देखी? टेल मी इन कमेंट्स। एंड मेन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।